ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ હવે એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે, જેથી કરીને કોંગ્રેસે આજે ગુજરાતની જનતાની એક નહીં પરંતુ અનેક વચનોની લાણી કરી છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જો 2022માં ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ ફરીથી આપવામાં આવશે। તેની સાથોસાથ ગુજરાતમાં રાજસ્થાનની જેમ જ સ્વાસ્થ્ય મોડેલ લાગુ કરવાની વાત પણ કરી અને અંતે જે વાત કરવામાં આવી તે ખેડૂતો માટે વાત કરી છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ગુજરાતના ખેડૂતોને માત્ર રાત્રે જ નહીં પરંતુ દિવસે પણ વીજળી આપવામાં આવશે। મહત્વનું છે કે ચૂંટણી લક્ષી વાયદાઓ કોંગ્રેસ દ્વારા અનેક કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આ વાયદાની સામે ભાજપે પણ પલટવાર કર્યું છે અને ભાજપે કોંગ્રેસે જે ચૂંટણી વાયદાઓ કર્યા છે તેને માત્ર ચૂંટણી લક્ષી જુમલો ગણાવ્યો અને પલટવાર કરતા સમગ્ર માહોલ ગરમાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે શું છે સમગ્ર હકીકત, આવો આપને જણાવીએ આ વાતમાં। નમસ્કાર, હું ભક્તિ રાજગોર અને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત। નંબર એક વાત તો અમારી સ્વાસ્થ્ય યોજના, વો મેરા દાવા હૈ पूरे कंट्री में कहीं पे वो नहीं है। पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, और हो सकता है कि विश्व के अंदर भी, मैं नहीं कह सकता इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, संभवतया विश्व के अंदर भी कोई होगी तो एक जगह होगी तो छोटे मोटे राष्ट्र के अंदर। इतना शानदार हमने योजना बनाई है, आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके, और मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। मैंने मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करी है, अमित शाह जी को रिक्वेस्ट करी है, राजस्थान में आए थे, हमारा जो मॉडल है राजस्थान का स्वास्थ्य सेवाओं का उसको आप पूरे देश में लागू करवाएं। अभी जो उनका मॉडल है नाम है उसका आयुष्मान भारत, वो आधा अधूरा है, आधी पब्लिक का भी नहीं है। वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उन्हीं तक सीमित है। वो हम चाहते हैं कि पूरी पब्लिक के लिए, राजस्थान में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है, ये योजना सबके लिए लागू है। राइट टू हेल्थ की तरह है, राइट टू हेल्थ अधिकार हमें साथ रहने का, स्वस्थ रहने का। उसमें हमने नाम दिया चिरंजीव मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसमें 5 लाख की जगह 10 लाख कर दें बीमा, उसमें IPD OPD फ्री कर दी, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री है, दवाएं फ्री। वो पहले से हमारा था, उन्होंने और आगे बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट या आपका लिवर ट्रांसप्लांट या आपका हार्ट जो भी ट्रांसप्लांट होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांसप्लांट होते बच्चों से, सारा हमने फ्री कर दिया है। मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में 10 लाख का बीमा जो है, मान लो एक परिवार में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर और 6 लाख ही बचे हुए हैं, और उसके घर में तकलीफ आ गई है किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट, तो 15 लाख लगे मान लो। तो हमारी योजना इस प्रकार की बनाई हमने, 6 लाख उनके बचे रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, और 15 लाख जो खर्च होंगे लिवर ट्रांसप्लांट में, वो खर्चा पूरा सरकार उठाएगी, वो खर्चे प्रीमियम जो है वो सरकार भरेगी, बीमा कंपनी का प्रीमियम सरकार भरेगी। और साथ में कुछ इनकम टैक्स वाले हैं, ऐसी कैटेगरी है, वो खाली 850 रुपये दे सकते हैं। इस स्कीम के साथ में हमने जोड़ दिया है 5 लाख एक्सीडेंट बीमा, वो भी इस स्कीम के साथ में, चिरंजीवी योजना के साथ में ही है। एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट के अलावा भी, जैसे बरसात अभी आ गई, लोग बह गए हैं, राजस्थान बहुत लोग बह गए, डूब गए बच्चे, उन सब के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये स्कीम इस प्रकार की थी। और लास्ट में स्कीम के बारे में कहना चाहूँगा, 1,35,00,000 परिवार राजस्थान जिनको स्कीम लागू हो रही है सबके लिए, उन सब के परिवार में महिला मुखिया है, उनको हम लोग स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल का इंटरनेट फ्री, जिससे कि वो स्कीम के बारे में भी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और जो इसके में सरकार के हमारे हैं, हमारे वहाँ ई मित्र है 80,000 ई मित्र, जहाँ से करीब 100 से ज़्यादा सेवाएं ले सकते हैं, वो घर बैठे उस मोबाइल फ़ोन से ले सकते हैं। तो ये हमने स्कीम बनाई। एक तो जो हम चाहेंगे यहाँ पर है, जो तय किया है हमारे KC वेणुगोपाल जी के सानिध्य में, ये हमारे सेंट्रल महामंत्री हैं, यहाँ के मैनिफेस्टो में ये स्कीम डालेंगे हम लोग,
अगले मैनिफेस्टो में चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर एक स्कीम यहाँ पर सम्मिलित की जाएगी राइट टू हेल्थ के लिए, एक तो ये बात है। दूसरा ओल्ड एज पेंशन है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। ओल्ड एज पेंशन एक मान्य दृष्टिकोण से की गई है। ओल्ड एज पेंशन जो है वो एक प्रकार से मान्य दृष्टिकोण है। एक तारीख दो हज़ार चार के बाद जो जिनकी नौकरी लगी है उनके लिए ये हो गया है कि आप को पेंशन मिलेगी शेयर मार्केट के आधार पर। आप सोचिएगा, पैसा कटाएगा वो खुद, सरकार कंट्रीब्यूट करेगी और उस वक्त जो जमा होगा शेयर मार्केट में जमा हो रहा है, शेयर मार्केट उस वक्त क्या है उसके आधार पर उसको पेंशन मिलेगी। अब यूक्रेन गई तो आ गया, माने शेयर मार्केट गिर गया, तो एक 35 साल जो नौकरी करता है उसको लगता है पता नहीं शेयर मार्केट उसको कितना होगा, उस ढंग से मुझे पेंशन मिलेगी, तो इनसिक्योरिटी फील करता था। अब हमने ओल्ड एज पेंशन लागू करके सिक्योर कर दिया है कि डीए भी बढ़ेगा ओल्ड एज पेंशन में। जो ओल्ड एज पेंशन में जो लगा रखे हैं हम लोगों ने सुविधाएँ, वो तमाम मिलेगी वापस। तो ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। पूरे देश के अंदर कर्मचारी लोग दबाव दे रहे हैं अपने सरकारों पर, सरकारें मान नहीं रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके हमने कर्मचारियों के लिए आप सुनिएगा, जैसे CGHS स्कीम है भारत सरकार में कर्मचारियों के लिए भी, मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी, उसी तर्ज पर हमने राजस्थान के अंदर कर्मचारियों के लिए भी RGSS स्कीम कर दी हमने। पूरा खर्चा कर्मचारियों का, पहले बिल जमा कराओ कम ज़्यादा, अनलिमिटेड खर्चा उनके इलाज के लिए होगा, वो भी मैनिफेस्टो में आएगा। यहाँ पर ये पॉइंट में निवेदन करना चाहता हूँ, ओल्ड एज पेंशन लागू हमने कर दी। उसके अलावा जो है कृषि बजट हमने अलग प्रस्तुत किया राजस्थान में, नया नवाचार किया है कृषि बजट। उसी तर्ज पर यहाँ कृषि बजट अलग पेश किया जाएगा गुजरात के अंदर किसानों को प्रायोरिटी देते हुए। ये मतलब मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। एक आपके बहुत पॉपुलर डिमांड है, कल मुझे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि दिन को बिजली दो, सुबह बिजली दो, रात को मत दो। ये हमारे वहाँ भी चल रहा था, हमने 16 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया है और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी हम इस साल कर देंगे। उसी तर्ज में यहाँ पे भी सरकार आएगी तो दिन को बिजली दी जाएगी किसानों को, जो उनकी पॉपुलर डिमांड है। यहाँ पर 5 रुपये दे रहे हैं हम लोग प्रति लीटर दूध के, बोनस दे रहे हैं किसानों को, वो यहाँ भी 5 रुपये बोनस दिया जाएगा। गुजरात कांग्रेस ना मुख्य चूंटणी निरीक्षक अशोक गहलोते आज गुजरात की जनता ने जे पण वचनोनी लाहणी करी छे ते वचनोने भाजपे मात्र खाली खोखला अने चूंटणी लक्षी जुमला गणाव्या छे अने साथे जणाव्युं के कांग्रेस मात्र वचनो ज आपे छे, कई काम करती नथी, लोकोनी वच्चे अने जनतानी वच्चे जईने काम करवानी जरूर छे, परंतु जनताना प्रश्नो शुं छे तेनाथी पण कांग्रेस अजाण छे, जेथी करीने चूंटणीमां गुजरातनी जनता तेमने जड़बातों जवाब आपशे। ગુજરાત કોંગ્રેસના આગેવાનો જાણે છે કે તેઓ છેલ્લા 5 વર્ષમાં ક્યારેય પ્રજાની સમક્ષ ગયા નથી અને ગુજરાતના પ્રજાની પ્રશ્નો તેમને ખબર પણ નથી, અને તેથી જ જ્યારે બહારથી કોઈ આગેવાન આવે છે ત્યારે એમની પાસે પ્રોત્સાહક નિવેદનો કરાવે છે, પરંતુ ધરા ઉપર શું સ્થિતિ છે તેની કોંગ્રેસના તમામ લોકો જાણે છે, અને તેઓ જાણે છે કે છેલ્લા 5 વર્ષમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે માનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો વિકાસનો એજન્ડા ગુજરાતમાં પૂર જોશથી ચલાવ્યો છે અને ગુજરાત એ અપ્રતિમ વિકાસ હાંસલ કર્યો છે। તો આ સંજોગોમાં જ્યારે આગામી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ હથિયાર હેઠા મૂકી દઈ અને જે આગળ વધી રહી છે તો એના પરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આગામી ચૂંટણીમાં ગુજરાતના શાણા મતદાતાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફરી એક વખત ખૂબ મોટો પ્રચંડ આશીર્વાદ આપશે તેનો મને વિશ્વાસ છે। મહત્વનું છે કે ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને દિવસે ને દિવસે રાજકીય પક્ષો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જામતો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં દરેક રાજકીય પક્ષ જનતાને પોતાની તરફ કરવા માટે અને જનતાને રીઝવવા માટે વચનોની ભરમાર લગાવી દીધી છે અને એક બાદ એક વચનોની લાહણી કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે જોવાનું એ રસપ્રદ રહેશે કે ગુજરાતની જનતા વચનોમાં ભરમાઈ જાય છે કે પછી શું કરે છે।
ગુજરાતના તમામ રાજકીય મહત્વના સમાચારથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાતા રહો ગુજરાત તક સાથે. જો આ વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. સાથે જ દેશ અને દુનિયાના તમામ મહત્વના સમાચારથી અપડેટ રહેવા માટે એક ક્લિક કરો અમારી વેબસાઇટ ગુજરાત.